नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स, जहां भारतीय क्रिकेटर्स अपने फैन अपने प्रशंसकों को खुश करते हैं अपने खेल के जरिए। वहीं अब सीओए ने बीसीसीआई के साथ मिलकर एक नई योजना या कह लीजिए एक नया जो ड्राफ्ट आया है उससे अपने जितने भी इंडियन क्रिकेटर्स हैं उसको खुश करने के लिए एक प्लान लाए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो उनका दैनिक भत्ता मिलता है, याद कह लीजिए डेली अलाउंस मिलता है, उसको अगर घरेलू सीरीज की बात की जाए तो बहुत ही परसेंट में बढ़ गया है, और अगर ओवरसीज़ की बात की जाए तो लगभग दुगना हो गया है। जी हाँ, जो डेली अलाउंस होते हैं आपको याद दिला दें, जो मैच फी होती है उसके अलावा मिलते हैं, और साथ में जो उनके ट्रैवलिंग अलाउंसेज या अकोमोडेशन या लॉन्ड्री या जितने भी ट्रैवलिंग फूडिंग के अलावा जो उनको मिलता है वो अलग से मिलता है डेली अलाउंसेज उनके खेल के जरिए जो इर्द गिर्द चलता है। हम आपको एक बार बता दें, जो ए प्लस की ग्रेड के खिलाड़ी होते हैं उनको 7 करोड़ मिलते हैं एनुअल, उसके बाद ए ग्रेड में जो खिलाड़ी हैं उनको 5 करोड़ मिलते हैं एनुअली साल भर की बात की जाए, बी ग्रेड में शामिल खिलाड़ियों को 3 करोड़ मिलते हैं, और वहीं सी ग्रेड में शामिल खिलाड़ियों को मिलते हैं 1 करोड़ अगर एनुअली बात की जाए मतलब सालाना। तो वहीं इस बार जो नया एक बार शीट आई है, नया जो प्लान आया उसके अगर तहत आप देखें तो जो पहले $125 मिलते थे विदेशी सरजमी पे या ओवरसीज कंडीशन में खेलने के लिए, वह हो गए जस्ट डबल, मतलब $250 मिलेंगे $US की बात की जाए तो। वहीं अगर डोमेस्टिक उसकी बात की जाए, डोमेस्टिक जितने भी सीरीज़ होती है होम सीरीज़ होती है, जैसे अभी करेंटली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेल रही है भारतीय टीम, तो उसमें जो पहले मिलता था अराउंड $100, तो उसको क्योंकि फ्लक्चुएट करता रहता है अगर $US की बात की जाए, तो उसको एक रिकमेंड करने किया था BCCI ने COA को। CO याद दिला दें, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी डील होता है वो वही मैनेज करती है विनोद राय की अगुवाई में, तो उन्होंने अब कर दिया है उसको 7500। जी हाँ, 7500 मिलेगा डेली अलाउंस, वो इतना भी मैच फी के अलावा जितने भी ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन फी होती है उसके अलावा डेली अलाउंस अगर जो भारतीय खिलाड़ी को मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 7500। तो एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जो जिस पर दिन जो जैसे खुशी मिलती रहती है, अगर आपको बता दें BCCI सबसे महंगा क्रिकेट बोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास इतना पैसा है ताकि वो अपने जितने भी प्लेयर्स हैं, और साथ साथ अगर सिलेक्टर्स की बात की जाए सिलेक्टर्स का भी इस बार फायदा हुआ है। जी हाँ, सिलेक्टर्स को पहले रोजाना अगर डेली अलाउंस की बात की जाए तो मिलता था ₹3500, अब वही बढ़ के हो गई है ₹7500। जी हाँ, और बाकी जो मैच फी है वो लगभग बराबर है, उसमें 15 लाख थी टेस्ट की मैच फी, वहीं T20 की बात की जाए तो 3 लाख थी, और ODI की बात की जाए तो होती 6 लाख, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो डेली वेजेस थी, जो डेली अलाउंस था, वो अब लगभग दुगना हो गया है अगर ओवरसीज कंडीशन की बात की जाए, और जो होम कंडीशन से मैच होते हैं उसको दिया गया है 7500। तो ये था हमारा करंट अपडेट इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स।